तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर फूड इंस्पेक्टर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने, इसमें आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, यह सभी जानकारी आपको हमारे वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी फूड इंस्पेक्टर बनकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दोस्तों, जान लेते हैं, आज के समय में हर बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहता है। 10वीं कक्षा करते ही बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। कुछ बच्चे पढ़ लिख कर IAS, IPS, पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट फूड इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। कई छात्र छात्राएं फूड इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने, फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस वजह से कई छात्र छात्राएं अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने जा रही हूँ कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने। खाद्य आपूर्ति विभाग में फूड इंस्पेक्टर एक प्रतिष्ठित पद होता है। फूड इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग फूड इंस्पेक्टर परीक्षा का आयोजन करती हैं। फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन पास करना पड़ता है, उसके बाद फूड इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए आवेदन करना होता है। केंद्र और राज्य स्तर पर फूड इंस्पेक्टर की भर्ती होती है। आप अपनी रुचि के अनुसार राज्य या केंद्र स्तर पर फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि फूड इंस्पेक्टर क्या होते हैं। फूड इंस्पेक्टर खाद्य आपूर्ति विभाग का अधिकारी होता है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक फूड इंस्पेक्टर होता है। यह अपने जिले के खाद्य भंडारों में खाद्य सामग्रियाँ और जाँच करता है। जो फूड इंस्पेक्टर जिले के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों का निरीक्षण करती है। जांच में अगर गड़बड़ी मिलती है तो वह उन सभी विवरण प्रणाली से डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। इसके अलावा फूड इंस्पेक्टर अपने ज़िले के सभी खाद्य सामग्री उत्पादक फैक्ट्री और फूड डिस्ट्रीब्यूटर की नियमित रूप से जांच करती है। खाद्य विभाग का इंस्पेक्टर यह जांच करता है कि खाद्य उत्पादक कंपनी सुरक्षा मानकों तथा स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखता है या नहीं। जिले के सभी राशन दुकानों की जांच करती है। दुकानदार मिलावटी सामान बेचकर ग्राहकों से अनुमति मूल्य वसूल कर नहीं कर रहा है, यह सभी जानकारी वह रखते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। तो आइए चलिए दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, 12वीं कक्षा में कम से कम 50% अंकों से उत्तीर्ण होनी चाहिए, और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी विषय में ग्रेजुएशन किए हुए उम्मीदवारों को आरक्षण मिलता है। फूड इंस्पेक्टर के लिए योग्यता, उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में आयु सीमा भिन्न भिन्न निर्धारित होती है। अभ्यर्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों की देखने और सूंघने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, जिससे खराब खाद्य पदार्थ को देखकर और सूंघकर पहचान सकें। अभ्यर्थी में शीघ्र फैसला लेने का गुण भी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, जानते हैं कि फूड इंस्पेक्टर कैसे बने। फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी स्ट्रीम से 12th पास करना होगा, उसके बाद किसी मान्यता यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन पास करनी होगी। ग्रेजुएशन की
डिग्री प्राप्त करने के बाद फूड इंस्पेक्टर के लिए आवेदन करना होगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट PCS समय समय पर फूड इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी करती है। जब फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तब आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद फूड इंस्पेक्टर एग्ज़ाम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना होगा। एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों का चयन खाद्य आपूर्ति विभाग में फूड इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर को मिलने वाली सैलरी कुछ इस प्रकार है। हम आपको बता दें कि फूड इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। फूड इंस्पेक्टर की सैलरी 30,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति माह तक होती है। फूड इंस्पेक्टर कैसे बने, यह जानने के बाद आपके मन में सवाल होगा कि फूड इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। एक फूड इंस्पेक्टर की सैलरी अच्छी खासी होती है। वेतन के अलावा इन्हें अन्य भत्ते भी मिलते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए चलिए दोस्तों, जान लेते हैं फूड इंस्पेक्टर अपने जिले के जितने भी राशन वितरण का दुकान होती है, जहां पर आपको राशन कार्ड पर बहुत ही कम कीमतों में अनाज दिया जाता है, उन दुकानों के नियमित रूप से जांच करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन दुकानों के लोग कोई मिलावटी सामान तो नहीं दिया जा रहा है और लोगों की दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी की भी जांच करते हैं। फूड इंस्पेक्टर अपने ज़िले में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ भी नियमित रूप से जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को अच्छी क्वालिटी का भोजन मिल रहा है। अगर उनके ज़िले में कोई भी ऐसा दुकान या PDS राशन भंडार जो कि मिलावटी सामान लोगों को दे रहा है, तो उन दुकानों पर जाँच करके वह आदेश सी फूड इंस्पेक्टर ही देते हैं। तो दोस्तों आइए, ऐसी ही जानकारी जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको फूड इंस्पेक्टर के बारे में जाना है। मैंने आपको इस वीडियो में फूड इंस्पेक्टर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर क्या है, फूड इंस्पेक्टर के लिए योग्यता, फूड इंस्पेक्टर कैसे बने, फूड इंस्पेक्टर की सैलरी, फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में मैंने आपको यह सारी जानकारी को बताया है विस्तार से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको फूड इंस्पेक्टर से जुड़े सारे जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी फूड इंस्पेक्टर बनने के लिए मदद मिल सके। वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।